ये जो जगह है ये है राजीव चौक, और ये जो एक्सप्रेसवे है ये एक्सप्रेसवे है NH8, और यहाँ से मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ सुभाष चौक पे, लेकिन सुभाष चौक में लेकर जाऊँगा किसी और रास्ते से। वैसे मैं राजीव चौक से आगे से जाके लेफ़्ट ले लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको किसी और रोड से लेकर जाने वाला हूँ। और वो क्यों लेकर जा रहा हूँ, वो इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्यों मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ इस रोड से, जो कि आपको कनेक्ट करता है सेक्टर 38, 46, 47, 51। ये जो राइट हैंड साइड में ये जो इतने सारे फ्लैग्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली यहाँ पर ये स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, और इसका ये एंट्री गेट है। ये देखो, एक्चुअली ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोल दो, और गुड़गांव में एक ही जगह है जहाँ पे आप ये स्टेडियम आपको दिखेगा, और आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पे। मैंने तो सर क्रिकेट ही खेला है, ठीक है। ये जो रोड है ये बड़ा ही फेमस रोड है गुड़गांव में, और इस रोड को वैसे जो जानते हैं और जो जाना जाता है वो इसलिए क्योंकि इसी रोड पे है मेदांता हॉस्पिटल। आए दिन आप सुनते होंगे ना कि मेदांता हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग इसी में आते हैं, मेदांता हॉस्पिटल के पास, और इस रोड को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं मेडी सिटी, ठीक है। मैं आपको मेदांता हॉस्पिटल भी दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो मेदांता हॉस्पिटल दिखता कैसा है। तो ये जो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये देखो आपको दिखेगा इस पे मेदांता लिखा हुआ, ये रहा बिल्डिंग, ठीक है। ये है मेदांता, और ये है मेदांता का हॉस्पिटल, बड़ा ही नामी ग्रामी है, आपको तो पता ही होगा। ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, यानी कि, और ये इसके गेट्स हैं, और ये पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है, हाँ, बड़े लोगों का हॉस्पिटल है कह सकते हो। एक्चुअली इसे हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, इसे आप एक तरह से समझ लीजिए लग्जरी हॉस्पिटल कह सकते हो, थोड़ा होटल टाइप, मतलब हर चीज़ लग्जरी है, ठीक है। तो बहुत पैसे लगते हैं भाई, ट्रस्ट मी, बस भगवान सबको सेफ रखे। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ, अच्छा हॉस्पिटल है, फैसिलिटी इसकी बहुत ही लाजवाब है, और पैसे भी लाजवाब लगते हैं, ठीक है। ये जो रोड है यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो अभी आएगा बख्तावर चौक, ठीक है, बख्तावर चौक आएगा। उससे अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ हुडा सिटी सेंटर, राइट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ सुभाष चौक, और मैं आपको सुभाष चौक ही लेकर जाऊँगा, ठीक है। और इस रोड को दिखाने का मेन जो मकसद ये था वो आपको बताना था कि जो बख्तावर चौक है जहाँ पे मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूँ ना, वहाँ पर एक बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी है जो कि आने वाली है दिल्ली NCR में, और उन्होंने अपनी जो जगह है जो बनाई है, जो उन्होंने प्लान किया है कि हाँ कहाँ पर अपना सेटअप करेंगे, वही मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कंपनी है ये IKEA, फर्नीचर की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, आपको पता ही है, इसके अंदर हर चीज़ें मिल जाती है जो डेली यूज़ का, जनरल यूज़ का, ठीक है। और ये जो सामने आप रेड लाइट देख रहे हो यही है बख्तावर चौक, तो इस पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर लेफ़्ट लोगे ना ये वाला, तो आप चले जाओगे हुडा सिटी सेंटर, और सीधा जाओगे तो आप जाकर कनेक्ट हो सकते हो गोल्ड फोर्स एक्सटेंशन रोड पे, ठीक है, बानी स्क्वायर, इन सब जगहों पे आप जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से लूँगा राइट, और राइट लेने के बाद मैं जाऊँगा सुभाष चौक। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी आपको बता दिया कि कई बार अगर ऐसा हो ना कि सुभाष चौक जाना है और राजीव चौक पे ट्रैफिक जाम दिखा रहा है आपको गूगल बाबा में, यानी कि गूगल मैप में, तो आप इस रोड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ग्रीन सिग्नल हो गया है, तो यहाँ से निकलते हैं और राइट लेते हैं। पहले मैं इंडिकेटर दे दूँ, और तो जैसा बोला, स्ट्रेट जाओगे तो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन और बानी स्क्वायर चले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप चले जाओगे हुडा सिटी सेंटर, और राइट हैंड साइड लेते ही आप चले जाओगे सुभाष चौक पे। लेकिन ये जो जगह देख रहे हो, ये जो बैरिकेड पूरा किया हुआ है, ये पूरा जो जगह है यही लिया है IKEA ने, तो इसी जगह पर आने वाला है ये, और ये बहुत बड़ा है। जो लोग गुड़गांव से हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना स्पेस है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तकरीबन 900 करोड़ का डील उन्होंने साइन किया है, मतलब ये जो ज़मीन है उन्होंने गवर्नमेंट से लिया है, ठीक है। तो IKEA जो है फ्यूचर में यहीं पे आने वाला है। इतना पुराना ट्रक, कमाल है यार, हरियाणा सरकार सही मेंटेन कर रखा है इस ट्रक को। वैसे तो ये म्यूजियम में ही दिखते हैं आजकल ये सब, देखो है ना, बड़ा सही मेंटेन कर रखा है सच में। तो वैसे
ये जो रोड है इसको कनेक्ट करते करते ऐसे ही आप जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जाना है सुभाष चौक पे, तो मेन मेरा मकसद यही था आपको ये बताना कि IKEA आने वाला है बहुत ही जल्द गुड़गांव में, तो एक और चीज़ ऐड हो जाएगा गुड़गांव में, और उसके ऊपर भी आपका भाई इसी तरह वीडियो लाता रहेगा जैसे ही IKEA आ जाएगा। तो लेकिन फ़िलहाल तो अभी उसने ये ज़मीन ही लिया, यानी कि प्लॉट ही ख़रीदा है, जैसे ही उसका काम कंस्ट्रक्शन कुछ स्टार्ट होगा तो मैं आपको लेकर जाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो हर बार मैं जो रोड दिखाता हूँ ना आपको, जो सोना एलिवेटेड रोड, तो उसके सामने ये जो फ्लाईओवर दिखता है सुभाष चौक पे, वो यही फ्लाईओवर है जो सामने आपको दिख रहा है, और इसी फ्लाईओवर की मदद से आप इसको सुभाष चौक को क्रॉस कर सकते हो, और इसी के लिए बनाया गया है। जब ये नहीं बना था तब बड़ा ही गंदा सीन हो जाता था, हालत एकदम ख़राब हो जाती थी। ये देखो, देखा ये जो जा रहा है ना फ्लाईओवर, तो यही है जो सुभाष चौक पे फ्लाईओवर आता है, और इसी की वजह से यहाँ पर सोना एलिवेटेड रोड पे यहाँ पर अंडरपास बनाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लाईओवर है। देखा, तो बहुत कुछ आने वाला है गुड़गांव में, और इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि जितना कुछ आने वाला है वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा, और इसी तरह आपको न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। तो देखा, और ये हम कनेक्ट हो गए, ये रहा सुभाष चौक, ये जो फ्लाईओवर मैं आपको दिखा रहा था, और ये रहा सोना एलिवेटेड रोड का जो काम चल रहा है, ठीक है, और ये जगह है सुभाष चौक। तो चलो बस इतना ही आज के लिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह घूमता रहूंगा, आपको घुमाता रहूंगा, और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।